ये आपके कॉलेज के प्रिंसिपल अंदर कॉलेज के अरे बैठ जाओ सारे बैठ जाओ इजाज है बाकी लोग हटते जाए बाकी लोग हटते जाए इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, हम उनसे बात कर सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री हैं। सर, बीकानेर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली बार बीकानेर के कोलाय क्षेत्र से आप मंत्री हैं कांग्रेस के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोलाय क्षेत्र की जनता का, वहाँ के कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे दूसरी बार विधायक बना करके भेजा और राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, गहलोत साहब का, पायलट साहब का आभारी हूं कि मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मेरा आज बीकानेर की सीमा में घुसने के बाद बीकानेर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और यहां के सभी संगठनों के द्वारा मेरा अभूतपूर्व स्वागत किया गया, तो मैं उसके लिए हृदय तल की गहराइयों से मैं पूरे बीकानेर के आम आवाम का आभारी हूँ कि मैं मुझे इस प्रकार का जो मान सम्मान दिया है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने जिन उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ हमें राजस्थान में सरकार बनाने का मौका दिया है, हम राजस्थान की जनता और मतदाताओं की उन उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास। और सर, शिक्षा की अगर बात करें, उच्च शिक्षा की, आपके कोलायत में ही कॉलेज की एक बहुत बड़ी डिमांड है और वो अब तक कभी नहीं हो पाई पूरी, हालांकि पिछली बार भी आपकी सरकार नहीं थी। अब क्या कहेंगे, अब किस तरह से कर पाएंगे वो पूरी? देखिए, 2013 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कोलायत में खाजूवाला और डूंगरगढ़, इन तीन जगहों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने उन तीनों कॉलेजों को समीक्षा के नाम पर 4.5 साल तक लटकाए रखा। और अब जब उनकी सरकार जा रही थी 2018 में, तब चुनावी लाभ लेने के लिए इन तीनों कॉलेजों को खोलने की दोबारा पिछली सरकार, भाजपा सरकार ने घोषणा की। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ कागजी घोषणा थी और हमारा, मैं खुद इस विभाग का मंत्री हूँ, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोलायत का महाविद्यालय हो, चाहे श्री डूंगरगढ़ का महाविद्यालय हो, हम इन दोनों राजकीय महाविद्यालयों का भवन बनाएंगे, इनको पूरी तरह से, इनमें पूरा स्टाफ लगा करके, टीचिंग स्टाफ लगा करके, और एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ कॉलेज के रूप में आने वाले मेरे इस कार्यकाल में ये दोनों कॉलेज बनेंगे। भंवर सिंह जी, सिंचाई का विभाग आपके पास है, बहुत कांटों भरा ताज है इस विभाग के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए की अभी भी इतनी जरूरत है, ताकि इसको स्टाफ से भी जूझ रहा है, क्या कैसे इससे निपटेंगे आप? देखिए, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग या उपनिवेशन विभाग या CID, ये सभी विभाग सरकार के तहत आते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये चूंकि ये किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और किसानों के प्रति कांग्रेस पहले भी हमेशा संवेदनशील रही है, और इस विभाग में मंत्री रहते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसानों की जो भी समस्याएँ हैं, जो दिक्कतें आ रही है, उन समस्याओं को, परेशानियों को, दिक्कतों का हम परीक्षण करवाएंगे और समय रहते हम किसानों को राहत देंगे, मैं आपको भरोसा दिला। तो ये थे भंवर सिंह भाटी, जिनका कहना है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त कार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, जगह जगह पर खोले जाएंगे, चाहे बीकानेर के खाजूवाला की बात करें हम, चाहे कोलायत की बात करें। KK सिंह, समय राजस्थान, बीकानेर।